हरिओम। मैं पवित्र पवित्र या ये सुंदर पुंडरी का से बहे मित्र सुशी पुना तू माम। हरिओम। अब्दुल्ला दुल्हन फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अरे बेटा आप भी खड़े हो जाओ, फेरों का मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी मुझे फेरे नहीं लेने। अरे बेटा क्या हुआ, ऐसे नहीं बोलते। माँ तुम चुप रहो, शादी मेरी हो रही है आपकी। सुनिए जी, आप अपनी माँ के साथ ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? चुप, अभी से जुबान चलानी शुरू कर दी, अभी तो हमारी शादी होना बाकी है। मगर बेटा तुम फेरे लेने से इनकार क्यों कर रहे हो? मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर आपको मंजूर है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, वरना ये शादी कैंसिल। आप ऐसा कैसे बोल रहे हो जी, अगर शादी कैंसिल हो जाएगी तो पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी जी। तो मैं क्या करूँ, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, मान लो मेरी शर्त। बेटा क्या शर्त है तुम्हारी, बताओ ना। शर्त पंडित जी मैं तब बताऊंगा जब दुल्हन का पिता यश करे। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या शर्त है तुम्हारी? तो सुनो, मेरी शर्त ये है कि मैं हर एक फेरे के बाद में 2 पैग शराब के मारूंगा, बोलो मंजूर है? ये कैसी शर्त है जी आपकी? रिश्ते के वक्त तो आपकी माँ जी कह रही थी कि आप तो शराब को हाथ भी नहीं लगाते, और अब आप फेरों पे पीने की बात कर रहे हैं। चुप, अगर तुझे मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो मैं तो चला। हमें आपकी शर्त मंजूर है जी। पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। कपूर गौरम करुणा तारम संसारी सारम बुद्धि हरम हर देवं देवं भवानी सहितम नमामि। रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो? पंडित जी शर्त के अनुसार 2 पैग मारने जा रहा हूँ, रुको। पंडित जी दूसरा फेरा शुरू करवाइए। हरिओम। तिलकंडे प्रछंदे शास्त्री कामनोती हरिओम नमः। कहाँ चले बेटा? पंडित जी दूसरा पैग मारने चला हूं, 2 फेरे कंप्लीट हो गए, शर्त के अनुसार दूसरा पैग मारने जा रहा हूं। पंडित जी तीसरा फेरा शुरू करवाइए। हरिओम। तमेव माता जय पिता तमेव तमेव बंधु जय स्वातवे। अब बस करो जी। बेटा बेटी सही बोल रही है, फेरों का मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी आप अपनी शर्तें भूल रहे हो, लेकिन मैं अपने वादे का पक्का हूँ, मेरा 3रा पैग बाकी है। ये क्या जी, अब आप बोतल को यहाँ पे भी ले आए। अब क्या करता, आपका पंडित जी का और इन सब का टाइम वेस्ट हो रहा था, फिर मैंने सोचा यहीं पर ही ले आए, समय की बचत हो जाएगी। सही है पंडित जी, आगे की कार्रवाई शुरू करो। ऐसा करो बेटी, अब आप आगे आगे चलो, पीछे पीछे दूल्हा चलेगा। हरिओम नमः। ओम विष्णुर्देवः ओम विष्णुर्देवः हरिओम नमः स्वाहा।
ओहो, मेरे दुल्हन को शराब की बदबू आ रही है। अब तो तुझे सारी उम्र शराब की बदबू को सहन करना पड़ेगा। हाँ, अगर दो पैग तू लगा ले तो तेरे को शराब की बदबू नहीं आएगी। क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? पंडित जी कूल, जस्ट कूल। मैंने क्या गलत बोल दिया इसमें? ये पीने की चीज है और पीने के लिए बोल रहा हूं मैं। लेकिन अब तो मैं अगला फेरा तब भी लूंगा जब ये पूरी बोतल ये दुल्हन पिएगी। खबरदार, अगर मेरी बेटी को दारू के लिए बोला तो ठीक है, शादी कैंसिल। बेटा मुझे माफ कर दो, ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करोगे तो मैं इन गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? पिताजी आप रोइए मत, चुप हो जाइए। आपकी बेटी अभी जिंदा बैठी है यहाँ पे, आपकी बेइज्जती नहीं होने देगी। और तू बे हरामी, चल फेरे पूरे कर। पंडित जी मंत्र पढ़िए। देखा माँ, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा? अबे ओए बुढ़िया, चुप कर। जब ये तेरा बेटा मेरे को और मेरे बाप को सबके सामने सुना रहा था, सबके सामने हमारी बेइज्जती कर रहा था, तब तो तू कुछ ही नहीं बोल रही, बिल्कुल चुप थी। और अब मैंने तेरे बेटे को थप्पड़ क्या मार दिया, तेरी जबान चलने लगी कैंची की तरह। तू ना चुपचाप बैठ जा, चुपचाप। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना और तू ज्यादा बोल ली तो तेरी दोनों टांगे तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगी। बैठ जा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ को थप्पड़ मारे, ये शादी कैंसल। कैंसल? अबे ओए कमीने, शादी तू क्या, तेरे फरिश्ते भी करेंगे, समझ गया? पंडित जी। हाँ बोलो बेटी। एक पुण्य का काम करो। हाँ बोलो बेटी, क्या काम है? एक लठ लेकर आओ। अभी ले आया बेटी। ये लो बेटी। शादी नहीं करेगा, पूरे फेरों में मेरे और मेरे बाप की बेइज्जती करा दी। अगर मेरी जगह तेरी बहन होती और उसके साथ भी ऐसा होता तो सोचती जो तेरी माँ के दिल पे क्या बीतती, बीतती ना वही चीज मेरे मेरे बाप के दिल पे बीत रही है, समझा? हमें माफ कर दे बेटी, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। अरे सासू माँ, तू क्या जाने बेटी का दर्द क्या होता है, तेरी खुद की बेटी होती ना तब तुझे पता चलता। आज एक बेटी को ना अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए मजबूरी में शराब पीनी पड़ी, मजबूरी में। गुलाबो मुझे माफ कर दे,
मैं मेरे माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैं आज के बाद शराब के हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तूने मेरी आंखें खोल दी है, आंखें। वाह बेटी वाह, मान गई, बेटी हो तो तेरे जैसी।